हेलो हेलो एवरीवन। तो मेरा ये एक ऑर्डर मैंने किया हुआ था फ्लिपकार्ट से, तो ये आ चुका है। तो मैंने सोचा लाइए आप लोगों के साथ में इसको मैं ओपन करूं पार्सल को अपने। मैंने स्टोरेज बैग ऑर्डर किए हुए थे, तो देखती हूँ कैसा निकलता है। और ये देखिए मैंने अभी इसको ना ओपन नहीं किया हुआ है, मुझे खुद नहीं पता ये कैसा निकला है। और लमसम 4-5 दिन हो गए, मंडे को आया था मेरा ये पार्सल, तब से अभी तक रखा हुआ है। और ये बैग में आप देख सकते हैं, ये प्लांट मैंने बाय किया हुआ है, पाम का है, और मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैंने इसको ना कॉर्नर में भी इस तरह से रख दिया है, नीचे स्टूल रख के, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस एरिया में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसको अनपैक करती हूँ और देखती हूँ कैसा है, और स्टोरेज बैग मेरे कैसे निकले हुए हैं। सीजर नहीं लेके बैठी हूँ। वैसे बहुत कम मेरे संग ऐसा होता है कि मेरे सामान में कुछ प्रॉब्लम निकले, क्योंकि मैं ना ज्यादा ऑर्डर करती ही नहीं हूँ, और इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिलहाल देखने में तो सही लग रहा है, और ये 6 पीस का है। जब मैं इसको हाथ पे पकड़े थी ना पार्सल को, तो मुझे ये लग रहा था कि इसमें 6 बैग कैसे आए होंगे। अब पता चल रहा है 6 बैग ऐसे आए हुए हैं, और क्वालिटी भी अच्छी है। आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। तो ये देखिए, ये इस तरह से है, और अच्छा खासा स्पेस है इसमें। ये देखिए, और मैं आपको इसकी जिप भी खोल के दिखा देती हूँ। क्या सिस्टम है इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से है, और काफी ज्यादा अच्छे हैं। स्टोरेज है ना, तो इस तरह से ये इसके 6 पीस है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। और काफी अच्छे लग रहे हैं, और क्वालिटी की बात करें ना तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी, आप देख सकते हैं। और ये जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली पन्नी होती है ना, ये वो है जो फटने वाली नहीं है जल्दी, और फिलहाल इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ी सी खांसी हो गई है। ये देखिए है, काफी अच्छे हैं, और काफी ज्यादा स्पेस भी है इसमें, और मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतने अच्छे निकलेंगे। और यहाँ तक कि इनके प्राइस की बात है, तो मैं आपको इनका प्राइस भी बता देती हूँ, और बताऊंगी क्या, मैं आपको सीधा दिखाई देती हूँ इनका क्या प्राइस है। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये देखिए 258 रुपीज है। ये देखिए 258 रुपीज में मैंने ये 6 पीस स्टोरेज बैग ऑर्डर किए हुए हैं, जो बाई क्वालिटी बहुत ही अच्छी हैं। 258 में मैंने ये, 258 रुपए में मैंने ये 6 पीस स्टोरेज बैग ऑर्डर किए हुए हैं, जो काफी अच्छे निकले हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये कलर, कई सारे कलर थे, बट मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और ये वॉशेबल भी हैं, और इनकी क्वालिटी की बात करें ना, तो क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, आप देखिए। और ये देखिए, और इसमें ये जो पन्नी लगी हुई है ना, तो ये बहुत सॉफ्ट वाली है, ये फटने वाली नहीं है। ये देखिए, ये जल्दी फटने वाली नहीं है, काफी अच्छे लगे मुझे। एक्चुअली में ना विंटर का जो सीजन है वो चला गया है,
वूलन कलेक्शन जितना भी है सारा मुझे स्टोर करके रखना है। अभी तो मैं ऐसे ही रख लेती थी। काफी सारे जो बैग रहते हैं ना, जिनमें साड़ियां वगैरह आती हैं, कपड़े वगैरह आते हैं, उनमें मैं भर के रख देती थी। लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही देख रही थी फ्लिपकार्ट में, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और 4-5 दिन हो गए हैं ऑर्डर आए हुए, पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं कर पा रही थी, खुद की टेंशन में इतना उलझी हुई थी। और अभी मैं ना जिस दिन बेड बॉक्स अरेंज करूंगी, इन्हीं स्टोरेज बैग में लगाऊंगी सामान, और आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगी। और जरूरत पड़ी तो मैं और बैग भी ऑर्डर करूंगी, काफी अच्छे हैं, काफी ज्यादा स्पेस है, और समथिंग इसमें आराम से 10 साड़ियां आ जानी चाहिए नॉर्मल। और हैवी साड़ियों की बात करें तो फिर 5-6 साड़ी तो आ जानी चाहिए। और जितना भी जैसा जो भी इसमें सामान आएगा, मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो आप लोग भी देख लीजिए अच्छे से, और आप लोग भी ऑर्डर कर लीजिए अगर आप लोगों को बेड बॉक्स में इस तरह से स्टोरेज बॉक्स बैग की जरूरत है तो। और बस आज ये रखा हुआ था काफी दिनों से, तो मैंने सोचा लाइए आज आप लोगों के सामने अनपैक कर देती हूँ और दिखा भी देती हूँ आप लोगों को भी कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। और अभी मैंने ना एक ऑर्डर और किया हुआ है, जब वो आ जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी।